हेलो गाइस, वेलकम टू द क्यूबिंग वर्ल्ड। एंड आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब। मैं आपको बता दूं कि क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप एल्गोरिथम्स को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एल्गोरिथम्स को थोड़ा ईजी कर लूँ, लेकिन जो बड़े एल्गोरिथम्स हैं यू नीड टू नो अबाउट। सो गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब। मैं आपको बता दूं कि अगर हम क्यूब को रोटेट करें, सारी चीज़ें मूव हो रही हैं अपनी जगह से, लेकिन सिर्फ सेंटर मूव नहीं हो रहा। तो यू विल कीप इन माइंड दैट हम सब कुछ मूव हो सकता है, सेंटर इज़ दी थिंग विच डजंट मूव। स्टार्ट विद दी बेसिक थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पीस के क्या क्या नाम होते हैं, ताकि मैं आपको वो डिफाइन कर पाऊँ। और ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। सेंटर मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ द सेंटर। और एज होता है, ये टू कलर का एक एज होता है, दिस वन इज़ द एज। और कॉर्नर ये होता है जो कॉर्नर पे होते हैं, ये कॉर्नर में तीन कलर होते हैं, एज में दो कलर होते हैं, और हर एक कलर में एक सेंटर होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वी विल नॉट सॉल्व क्यूब को एक फेस से कर लिया, दूसरे फेस से कर लिया, तीसरे फेस से कर लिया। वी विल सॉल्व इट लेयर बाय लेयर। पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, फिर सेकंड लेयर बनाएंगे, फिर थर्ड लेयर बनाएंगे। इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। जैसे कि हमने उसको अब स्क्रैम्बल कर लिया, अब हम एक क्रॉस बनाएंगे, जो कि एक ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जब हम ऊपर वाली लेयर को अपने लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं, आपको कैमरा में राइट साइड दिख रहा होगा, बट व्हेन वी टर्न इट टू आवर लेफ्ट साइड पर जब हम टर्न करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड यू। और जब हम अपनी लेफ्ट वाली लेयर को नीचे करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एल। और जब हम अपनी लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एल डैश। आर वाली को नीचे करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड आर। आर वाली को ऊपर करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड आर। आर वाली को नीचे करते हैं, तो इट्स कॉल्ड आर डैश। अब जैसे कि ये आर वाली हमने कर दी है, तो इस साइड से आपको दिख रहा होगा कि आर वाली ऊपर और आर वाली नीचे, एंड दिस इज़ कॉल्ड आर डैश। आर दिस इज़ कॉल्ड एल डैश एल। और दिस इज़ कॉल्ड यू डैश, उसका उल्टा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है डाउन, ये एफ। अपनी ये वाली लेयर को क्लॉकवाइज जब हम टर्न करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एफ। जब हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एफ डैश। तो गाइस, आपको बेसिक्स पता चल गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसी बिहाफ पे हमारे एल्गोरिथम्स आएंगे। स्क्रैम्बल इट, सो लेट्स स्क्रैम्बल। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स टोटली स्क्रैम्बल्ड। और अब हमें एक डेजी बनानी है, तो या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वी वुड मेक द क्रॉस स्ट्रेट, बट लेट्स मेक अ डेजी फर्स्ट। सो डेजी बनाने के लिए, जैसे कि ये एक एच पीस है, इसको हमने ऊपर लेके आना है, तो उसको हम इस
साइड को टर्न करेंगे, एफ करके ऊपर ले आएंगे और उसको फिर वापस कर देंगे, तो ये मैच हो जाएगा। और अब ये सपोज ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर इसके साथ है, दिस वन एंड दिस वन, तो हम पहले इसको नीचे करेंगे, फिर इसको इधर करेंगे, अब इसको इधर करके हम इसको एफ डैश यू यू डैश आर और पीछे। अब हमने हमारे पास ये भी है तो हम इसको भी ऐसे इंसर्ट करेंगे और ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। हमारा क्रॉसअप कंप्लीट हो गया, हम दोनों हम सबको नीचे ला देंगे, दिस इज अ क्रॉस। सो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों हम कॉर्नर्स को इंसर्ट करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट क्लिप पे देख लो कैसे कॉर्नर्स को इंसर्ट, हम अब कॉर्नर्स को इंसर्ट करेंगे। थोड़े बहुत केस आते हैं इसमें बट हम पहले फिर केस को देखते हैं। पहली बार कॉर्नर इधर को है तो हम एक बार आर को नीचे कर देंगे और उसको ना साइड पर लेके आ जाएंगे और फिर उस आर को ऊपर कर देंगे। आफ्टर दैट जहाँ पे वो कॉर्नर बिलोंग करता है, मैंने आपको कहा था कॉर्नर तीन कलर का होता है, ब्लू रेड एंड वाइट, तो यहाँ पे बिलोंग करता है, हमने उसके बीच में लेके आ गए और आर को ना हमने नीचे कर लिया। जब हमने आर को नीचे कर लिया और कॉर्नर को उसके अंदर लेके आ गए ऐसे करके हमने ऊपर कर दिया, हमारा पहला कॉर्नर इंसर्ट हो गया। दूसरा भी केस सेम ही है, हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको इन दोनों के बीच में लाएंगे, इंसर्ट करेंगे ऊपर। हाँ ये अब ऊपर को आया है तो हम एक काम करेंगे कि कॉर्नर को नीचे निकालेंगे जैसे हम निकालते थे, जहाँ पे आता है जहाँ पे कॉर्नर बिलोंग करता है उसके बीच में लेके आएंगे, आर को नीचे करेंगे और कॉर्नर को लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, अपनी लेफ्ट साइड पे करके आर को ऊपर कर लेंगे और हम उसको इंसर्ट कर लेंगे। अब ये सामने को है तो हम इसको नीचे करेंगे जैसे कि उसमें था, इसको ऐसे करेंगे और इंसर्ट करेंगे। गाइस अब हम एजेस को इंसर्ट करेंगे, तो जैसे कि हमने पहला एज दिखाया ग्रीन और रेड, तो ये ग्रीन को बिलोंग करता है तो हम इसको ग्रीन के पास लेके जाएंगे, और अगर ये रेड का है एज पीस तो हम इसको ऑरेंज के पास लेके जाएंगे, और आर अगर ये लेफ्ट साइड के गया है तो हमारा एल्गोरिदम होगा ये लेफ्ट साइड पे करके आर डी आर सॉरी आर प्राइम डी आर डी और हम इसको रेड साइड से देखेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा एक एज बन गया है। ऐसे ही हम बाकियों को भी इंसर्ट करेंगे। अब ये भी लेफ्ट साइड को जा रहा है तो हम इसको भी ऐसे ही
इंसर्ट करेंगे। ओके, तो अब जैसे कि ये राइट साइड को जा रहा है तो हम इसको राइट साइड पे करेंगे और फिर हम एल्गोरिथम लगाएंगे एल डी डैश एल प्राइम डी डैश और इसको इंसर्ट कर देंगे। सॉरी गाइस, अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये रेड एंड ब्लू है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, वो राइट वाला एल्गोरिथम हो गया। और ये जैसे कि ये अब लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो हम इसको राइट साइड पे करेंगे, वही एल्गोरिथम एल डी डी डैश और इंसर्ट, ऐसे ही हम सारे एजेस को इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमारी दो लेयर बन चुकी हैं। अब मैं पूरा का पूरा शॉट थर्ड लेयर पे दूंगा और पहले तो आपको ये बिंदु मिलेगा या तो आपको एल भी मिल सकता है, तो सबके लिए सेम एल्गोरिथम है, तो हमें एक क्रॉस बनाना है तो इसके लिए एल्गोरिथम है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, इससे आपको एक एल मिल जाएगा। और उल्टा एल करके, हाँ जैसे कि ये मेरे साइड पे है, समथिंग लाइक दिस आपको, हाँ तो उल्टा एल लाइक उसकी जो उसका राइट साइड पे जाना चाहिए दूसरा, और आपको सेम वही एल्गोरिथम लगाना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, तो उससे आपको एक लाइन मिल जाएगी। और लाइन पे भी आपको एक लाइन को वर्टिकली रख के वही एल्गोरिथम लगाना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, उससे आपको ये भी मिल सकता है और क्रॉस भी मिल सकता है। आपको बस एक क्रॉस की ज़रूरत है, उसके आगे कुछ नहीं, और आपको उसके बाद एक क्रॉस मिल जाएगा, आप कॉर्नर पीस की कोई टेंशन नहीं करनी, उसके बाद आपको एक ना एक ये मिलेगा ही मिलेगा आपको उसको, अगर आपको एक मिला है तो ठीक है, जैसे कि मुझे एक ये मिला है तो मैं इसको अपनी लेफ्ट साइड पर रख के ये एल्गोरिथम लगाऊंगा आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और इससे आपको दो मिल जाएंगे, एक लाइक एक ये एंड एक ये, तो इनको भी मैं अपने लेफ्ट साइड पे रख कर एल्गोरिथम लगाऊंगा आर यू आर प्राइम यू आर डबल टू आर प्राइम, तो इससे सॉरी इसको मैं अपनी राइट साइड पर रख के ये एल्गोरिथम लगाऊंगा आर यू आर प्राइम यू आर, हाँ इससे आपको ये सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको एक एल्गोरिथम लगाना है एल यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू, तो इससे क्या होगा कि आके कॉर्नर्स ट्विस्ट हो जाएंगे, और अगर एक बार नहीं हुए तो दूसरी बार भी कीजिए जैसे कि मेरे हो गए हैं, उसके बाद जब कॉर्नर्स ट्विस्ट हो जाएं जैसे कि ये हो गया तो अब हम इसको ऐसे कर देंगे लाइक दिस, हमें इसको ये नहीं करना, हमें इसको एक मूव के तरीके से करना है, तो अगर एक हुआ तो हमें सारे करने हैं तो वो सेम जगह पे होंगे, तो हम इसको करेंगे आर डी डैश आर सॉरी आर प्राइम डी डैश आर डी आर प्राइम डी डैश आर डी, और उसको हम टर्न कर देंगे दूसरे पे आर प्राइम डी डैश आर डी आर प्राइम डी डैश आर डी, दूसरा आर प्राइम डी
और आपका क्यूब सॉल्व हो गया। थैंक यू आपको आपका ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको और ये चीज़ें चाहिए जैसे कि सी फॉप एक एडवांस मेथड क्यूब को सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको अगली बार बताऊंगा। और बाय।